बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डेटा एनालिसिस ट्रांसफॉर्म स्टेटिक्स और डैशबोर्ड और एनालिसिस किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड इन और फॉर्मूलों से हम कर सकते हैं, और इसके साथ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, टोटल रेवेन्यू, परसेंटेज पेमेंट मेथड, रेवेन्यू ब्रेकडाउन पेमेंट मेथड, ये सारे ऑप्शन आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को, स्टडी को लाइक कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ डाटा सैंपल मैंने बनाया हुआ है। अब इसमें सिटी के कॉलम्स है, परचेज और उसके साथ परचेज टाइप, पेमेंट मेथड, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी है, प्राइस है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी सेल्स इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो यहाँ पे टोटल सेल भी आ गया। टोटल सेल के साथ अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो हमें इन सिटीज के जो है कंट्री और रीजन के कॉलम भी चाहिए। तो डेटा मेन्यू और यहाँ पे हमारे पास जियोग्राफी होता है, कन्वर्ट टू जियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी चार साइन ऐड हुए हैं, शो कार्ट क्लिक करेंगे तो ये कॉलम के ऊपर प्लस बना हुआ आएगा, इसमें क्लिक, और यहाँ पे आप इनकी जो भी डिटेल है वो अलग कॉलम में ला सकते हैं। तो मुझे इनके कंट्री रीजन चाहिए सबके, मैंने कंट्री रीजन क्लिक करा तो यहाँ पर कॉलम देखे कंट्री रीजन का ऐड हो गया, ये ऑटोमेटिक सब इसमें सेम है। ठीक है जी, तो किसी भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नेट में जाके कुछ नहीं किया हमने, सिंपल इस ऑप्शन को यूज किया और उनकी जो डिटेल होगी अनदर कॉलम में ऐड हो गई हमारे पास। फिर मजीद जो कंट्री रीजन ऐड किया उसकी और डिटेल चाहिए तो प्लस क्लिक करके एब्रिविएशन एरिया, उसकी मजीद डिटेल, बट रेट, सीपीआई चेंज, करेंसी कोड, प्रिस्क्रिप्शन, ये चीजें आप उसमें और उसकी डिटेल को ऐड कर सकते हैं किसी भी कंट्री की। अब अगर हम यहाँ पर किसी स्टेटिक्स रिपोर्ट चाह रहे हैं, यानी हमारे पास टोटल जो सेल्स है उसमें मैक्स मिनिमम सम मीडियन मीन मोड और इस तरह की जो कोरिलेशन होती है, डिविडेंड वगैरह, स्टैंडर्ड डिविजन वगैरह, तो इनके अलग अलग फार्मूले नहीं लगाना पड़े, डायरेक्टली ये रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए एक एड इन ऑन करना पड़ेगा। डाटा के अंदर होता है हमारे पास डाटा एनालाइज, इसके लिए आप ऑन करने के लिए फाइल ऑप्शन के अंदर जाएंगे, ऑप्शन में यहाँ पर हमारे एड इन, यहाँ पर आ जाएंगे फर्स्ट एक्सेल एड इन गो, और यहाँ पे एनालिसिस टूल पीके पे क्लिक ओके करेंगे तो डाटा मेन्यू के अंदर लास्ट में डेटा एनालिसिस का आ जाएगा ये ऑप्शन, इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज होंगी, इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स ओके, इनपुट रेंज के अंदर ऑल सेल्स, और आउटपुट रेंज के अंदर जहां पे डेटा के डिटेल चाहिए वहां पे क्लिक और उसमें समरी पे चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे। तो ऑल आइटम के अंदर जो हमारे पास स्टैंडर्ड मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, सिंपल वेरिएंस, ये सारे ऑप्शन, मैक्सिमम मिनिमम सम और काउंट डेटा, इनकी डिटेल आप ला सकते हैं और ये किसी भी कॉलम में आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने सेल्स का निकाला है, आप क्वांटिटी से, प्राइस से भी इसको यूज कर सकते हैं, तरीका देख ले। फिर डेटा, डेटा में डेटा एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ से मैंने इस दफा सेलेक्ट कर लिया ऑल क्वांटिटी, या फिर प्राइस लेनी है तो ऑल कॉलम प्राइस, और फिर वही आ गया आउटपुट रेंज और समरी चेक ओके। तो ये देखें यहाँ पे ऑल डिटेल आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट कैटेगरी एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं, और एनालिसिस के लिए हम बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं तो इसको पिवट टेबल से भी हम निकाल सकते हैं, या फिर ऑफिस 365 इनसाइडर के अंदर ग्रुप बाय का फंक्शन है उससे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पिवट टेबल में इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल, टेबल रेंज, ऑल सेलेक्ट करेंगे, डेटा ऑलरेडी मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, न्यू वर्कशीट एक्सिस्टिंग, इसके ऊपर बना लेते हैं कहीं भी ओके। तो यहाँ पे जो हमारे पास कैटेगरी आ रही है इसके अंदर हम आइटम डिस्क्रिप्शन, और इसको मैं रॉ में ऐड कर रहा हूँ आइटम डिस्क्रिप्शन को, और यहाँ पे क्वांटिटी को हम वैल्यू में ऐड करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से जो हाईएस्ट होगी वो आ जाएगी हमारे पास।
ठीक है जी, और इसी को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेंगे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। और इसी तरह अगर हमें इसका टोटल रेवेन्यू देखना है, तो फिर मैं इन फील्ड्स को यहाँ पे फिल करूँगा ड्रैग क्लियर करने के लिए, और यहाँ पे जो सेल्स आ रही है इसको लाकर मैं वैल्यू में ड्रैग कर दूंगा, तो टोटल सेल आ जाएगी यहाँ पे। तो पिवोट टेबल से भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अगर बगैर पिवट टेबल के करेंगे तो ग्रुप बाय फंक्शन से भी ये हम कर सकते हैं रोज फील्ड, और इसके अंदर अगर हमें ऑनलाइन परसेंटेज के हिसाब से चाहिए सेल ज़्यादा हमारी किसमें हुई है, तो फिर हम परचेज ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, वैल्यू फील्ड सेल्स चाहिए सेल्स कॉलम ऑल सेलेक्ट, और फिर यहाँ पर कॉमा सम चाहिए, तो यहाँ पे पहले सम देख ले, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये ऑनलाइन कितनी सेल्स है मार्केटिंग की और इन स्टोर ये सब आ जाएगी। और इसी के साथ अगर आप चाह रहे हैं कि पेमेंट मेथड जो हुआ है वो किस तरह से, कितने ज़्यादातर पेमेंट चाहिए हमारी थ्रू गिफ्ट कार्ड कैश या क्रेडिट, तो कॉलम हमने फर्स्ट पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया। अब कैश की इतनी सेल्स है, क्रेडिट की इतनी सेल्स है, और गिफ्ट कार्ड की इतनी सेल्स है, और अगर हमें इसकी परसेंटेज चाहिए वैल्यू डबल के लिए, सम का फंक्शन जहां पर आ रहा है इसको मैं बैक स्पेस करूंगा, परसेंट ऑफ इस पे क्लिक एरोज है और टैप इंटर, और यहाँ परसेंट साइन ऐड कर देंगे इसमें। तो कैश के थ्रू 37, क्रेडिट के 21%, गिफ्ट कार्ड की 42। अब इसी तरह अगर बेस ऑन सेल्स पर्सन के हिसाब से हमें डैशबोर्ड की तरह रिपोर्ट देखनी है, कंट्री सिटी और उनकी सेल्स और उनकी प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट पर्सन करेंगे, और इसको मैं यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको भी मर्ज कर लेते हैं, बॉर्डर्स डाटा लिस्ट ऑल कॉलम सिलेक्ट ओके। तो यहाँ पे जो सेल पर्सन होंगे वो आ जाएंगे इसमें, और इसी के साथ उनकी सिटी और कंट्री और सिटी, कंट्री और सिटी के साथ रेवेन्यू यहाँ कुछ नेम मैंने चेंज किए हैं, और इसके साथ ड्रॉप डाउन आ गई यहाँ पे, और ड्रॉप डाउन के अंदर से हम जो भी नाम सिलेक्ट करेंगे उसके रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो हम प्रोडक्ट को उठाएंगे यूनिक ऑल कॉलम नेम, उसके साथ कंट्री एस लुकअप क्लिक कंट्री ऑल कॉलम और यहां पे आ जाएगा कंट्री, ठीक है जी एंटर, और यही फॉर्मूला हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहां कंट्री है वहां पर सिटी इंटर, और इसी के साथ एस लुकअप सेल क्लिक, इसको हम करेंगे वन टाइम F4। और अच्छा इसके साथ जो है अब हमें यहाँ पे लुकअप एरे क्या देखना है इसको देखना है, तो यहाँ पर हम सम इफ्स लगाएंगे, सम रेंज ऑल सेल्स, ठीक है जी, और इसको हम F4 करेंगे कॉमा क्राइटेरिया रेंज
ऑल आइटम नेम कॉलम, इसको भी वन टाइम F4 करेंगे कॉमा क्राइटेरिया वन, तो ये सेल आ जाएगा, इसको नॉर्मली रखेंगे, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू नेम के हिसाब से चाहिए, फिर ऑल कॉलम सेल्स पर्सन, इसको भी F4 करेंगे वन टाइम, और फिर यहाँ पे कॉमा क्राइटेरिया टू ये वाला सेल, और इसको F4 करेंगे ब्रैकेट किलोस एंटर। तो जिस एम्प्लॉय की जो सेल्स होगी प्रोडक्ट वो आ जाएगी, और यहाँ पर इसको बार कलर से देखनी है हमें, यहाँ से आप कलर अपना रख सकते हैं कोई सा भी, ठीक है जी, इस तरह से, और यहाँ से बोल्ड फॉन्ट को बड़ा करना है, थोड़ा सा बड़ा कर ले, रेवेन्यू, तो ये हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड है, इसको रखना है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये करंट रिकॉर्ड आ गया। अब इधर से जो भी ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट करेंगे उस रिकॉर्ड को हम इजीली यहाँ देख सकते हैं कि हाईएस्ट प्रोडक्ट की किसने कितनी सेल्स की है, यहाँ से सिंपल सिर्फ हमें नेम सिलेक्ट करना है, तो ये था आज की इस वीडियो में बेसिक्स जो डेटा ट्रांसफॉर्म एनालाइज और इसको स्टेटिक्स और डैशबोर्ड्स व्यू वगैरह कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमें यूज करनी होती है वो मैंने आज वीडियो में शेयर किया फॉर्मूले और उसमें एड इन के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह से और वीडियो ज्यादा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।